दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूँ राहुल, ये है मेरी वाइफ शिवानी। दोस्तों, एक वीडियो देखा हमने फेसबुक पे जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसमें एक चीज़ दिखाई गई है कि आजकल के लड़के जो हैं प्यार तो कर ले रहे हैं, प्यार है ये है वो है, लेकिन अपने प्यार की इज्जत नहीं कर रहे हैं। और उसमें अलग अलग जो कपल्स हैं वो अपने पार्टनर को कैसा प्यार कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं एक बार। ये देखो, दोस्तों ऐसा प्यार जो है, ऐसा प्यार ही आप लोग साथ खोज रहे हैं जो आपको रोज मारे, जो आपको सड़क पे वो करे, आप बेइज्जती करे। ऐसे प्यार करने से अच्छा है कि आप अकेले रहें पूरी ज़िंदगी, तो काफ़ी अच्छा होगा। आपने जैसे देखा वीडियो में और फोटो में कि जैसे कि क्या हो रहा है आजकल के प्यार, कहीं 35 टुकड़े, कहीं 40 टुकड़े, कहीं 3 साल का, कहीं कुछ, कहीं यार ऐसा प्यार होता है। प्यार मैंने एक वीडियो कल देखा जिसमें एक बच्चे की माँ अपने भगवान, क्या आप लोग को भगवान का डर आप लोगों में से ख़त्म हो गया है? बिल्कुल भी शर्म लाश, तो बिल्कुल आप लोगों ने जो है बेच खाया है। आप लोग के मन में से भगवान का डर ख़त्म हो गया है ना, आपको माँ बाप का डर है, ना समाज का डर है, ना किसी चीज़ का डर नहीं है। एक तो आप पहले जो गलत लोगों से प्यार का मोहब्बत का करने पड़ जाते हैं, फिर आप ये आपके संग ये सब होता है, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है? मैं लड़कियों आपसे बोल रहा हूँ, इसकी गलती कहीं ना कहीं आप में है। सबसे पहली देखिए, लड़के तो जैसे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका हो रहा है कि आप लोग बिना सोचे समझे कौन है क्या है कुछ नहीं जानते, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से प्यार कर ले रहे हैं। ये प्यार आपको किस मोड़ पे ला के छोड़ेगा, वो आपने अभी जो है एग्जाम्पल के तौर पे देखा। इसीलिए कहते हैं ऐसा काम मत कीजिए कि बाद में पछताना पड़े। इसीलिए प्यार मोहब्बत का खेल जो है ना, खेल ही बना दिया है लोगों ने आजकल, बहुत सोच समझ के खेले, ठीक है ना। आप लोग को तो ये सब मजाक लगता है, आप लोग को लगता है कि प्यार तो हर महीने बदल देना चाहिए। एक महीना इनसे प्यार, एक महीना इनसे प्यार, अलग अलग प्यार कर, एक महीना इस लड़की से प्यार, हेलो आई लव यू, फिर दूसरा ही छोड़ो, फिर दूसरा रे हेलो आई लव यू, फिर दूसरा आई लव यू, फिर इसको फिर क्या है? उसका नतीजा यही होता है, कि आप लोग को तरह तरह की यातनाएं मिल रही हैं। अभी जो एक हाल हुआ था जिसमें कुकर में उबाल दिया था, याद है, कुकर में उबाल दिया, मुंबई वाला केस आपने देखा होगा, जिसमें कि अपने जो पार्टनर है, लिव इन रिलेशन में रहती थी, उसी के पार्टनर ने कुकर में उबाल दिया था उसको मार के। ये सब जो हो रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा गलती लड़कियों की है, 60% तो गलती लड़कियों की है, क्योंकि वो बिना जाने समझे ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जा रही हैं। आप जो है कोई दुकान पे सामान भी खरीदने जाते हैं तो 100 बार सोच समझ के खरीदते हैं, तो अपनी ज़िंदगी का फैसला इतना बड़ा आप जो है बिना सोचे समझे कैसे कर लेते हैं, मुझे ये बात पे समझ नहीं आता। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि आगे भविष्य में ऐसा ना देखने को मिले जो कि ये देखने को मिल रहा है। इसीलिए आशा करते हैं कि आपको मेरी बात जो है बिल्कुल समझ में आई होगी, और ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल की जनरेशन को ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्यार मोहब्बत के चक्कर को छोड़ के आप अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कुछ अच्छा काम करें समाज के लिए, देश के लिए, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। इन सब प्यार मोहब्बत के चक्कर में कुछ काम करो, कुछ भी करो, जब आप काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे ना, जब तब आपको ये परख जरूर होगी कि हमें कैसा इंसान चाहिए। जब आप कोई ना आप जो है दुनियादारी जानते हैं, ना कि इंसान की आपको परख है, ना आप घर से बाहर निकले हैं, आपको कैसे मालूम वो इंसान सही है? आप कैसे मालूम वो आदमी एकदम जो है सच बोल रहा है? ये आप नहीं जान सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फील्ड में आना पड़ेगा, दुनियादारी में रहना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है इस बिना सोचे समझे जो प्यार होता है वो राक्षसी प्यार होता है, हवस के लिए प्यार होता है, केवल उसमें शारीरिक प्लेजर मिलता है लेकिन कोई प्यार नहीं होता है, बस ये होता है प्यार। कहीं से कहीं तक नहीं होता, इसीलिए प्यार
का शब्द को गंदा मत करो। और ऐसे अगर प्यार आपको मिल जाए, आपको तो अच्छा लग रहा है ये प्यार, जो मार रहे हैं ये बहुत अच्छे लड़के हैं ना, लड़के अच्छे हैं उनको, अरे मोटा है, अरे काला है, अरे लड़का जिम नहीं करता है, अरे लड़का देखो, आप अच्छे लड़कों को तो रिजेक्ट कर देती हो है? और जो जो गुंडे मवाली टाइप के हैं है? जो खून खराबे में रहते हैं, जिनका करेक्टर सही नहीं है, आप उनको तवज्जो देती हैं, तो ऐसे लोगों के संग ऐसा ही होगा, क्या कहा जाए। इसीलिए कहा जाता है ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। आजकल किसी को समझाना बेकार है, फिर भी हम लोग समझा रहे हैं इसलिए ताकि कोई भी लड़की के संग ऐसा गलत व्यवहार ना हो। क्यों पता है चीज देता है, क्यों पता है इस तरह चंकर यहाँ पे माता माता राता राता एक क्या है तो मत करो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नाम तीता यहाँ पे नाम तीता। जब कोई इंसान एक दूसरे से जुड़ता है, एक कपल एक जोड़ा, वो साथ जीने मरने की कस्में खाता है, फिर आप उसको छोड़ के दूसरे के संग कैसे जा सकते हैं। और यही आजकल हो रहा है, झूठ झूठ का बोलबाला है, सच्चे का मुँह मुँह काला है ना। इसीलिए कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में हम यहाँ किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत सोच समझ के फैसला लीजिए, अपने माता पिता को हर बात को बताइए, उनसे शेयर कीजिए, कोई बात माता पिता से छुपाइए मत, माँ बाप से बताएंगे तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मेरा वीडियो में इतना ही कहना था, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।